तो आप सब लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हवाओं ग्राम कोरियामाऊ। यहाँ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे लगे हुए अपन व्यवस्था के साथ, और जो यहाँ होने वाला है 7 दिवसीय यहाँ पे श्री महापुराण कथा प्रदीप मिश्रा के, तो यहाँ सर जी के स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल चंद्र देवांगन में। जय जोहर सर। जय जोहर। जय जोहर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको भी। सर हम ये जानना चाहो कि यहाँ व्यवस्था में कितना टीम लगे है आपके? अभी हम लोगों का करीब 250 से 300 का बल है यहाँ पे, और इसपे लाइन से और समय समय पे अपडेट किया जाएगा। मैं खुद यहाँ पे जगदलपुर से ड्यूटी के लिए आया हूँ। अच्छा सर, आपके परिचय एक बार बता देते सर। मैं DSP मिलन पांडे। अच्छा जी सर, हम जानना चाहो इतना व्यवस्था यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में, तो यहाँ के चोरी के विधि यहाँ पे आशंका रहते हो, कल कैसे टाइप की यहाँ पे व्यवस्था है? जैसे देखा जाएगा तो अभी ही 2 ऐसी संदिग्ध महिलाएं जो जिसपे हमें संदेह था, और इस तरह के कार्य कलाप में वो इन्वॉल्व थी, तो इसलिए हम लोग की जो रैपिड एक्शन टीम यहाँ पे लगी हुई है वो लगातार 24 घंटा पेट्रोलिंग में है। तो बस मैं आपके माध्यम से सबको यही सलाह देना चाह रहा हूँ कि सावधानी रखें, हालांकि आपके लिए पुलिस टीम भी लगी हुई है। काबर की देखे जान तो बालोद में घटना घटे रही से तो बहुत बड़ी चीज यहाँ पे वहाँ हसौरी से सोना चोरी हो रही से, तो यही चीज आपसे पूछना चाहते हैं व्यवस्था कैसे टाइप की है यहाँ? व्यवस्था तो हर जगह पुलिस प्रशासन अपने तरीके से ये प्रयास तो करती है कि किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अब आपको भी स्वयं की सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, और समय समय पर हमारी टीमें हर तरफ पेट्रोलिंग करते रहेंगी, और हम लोग ये एंश्योर करेंगे कि यहाँ पे मतलब सावधानी पूर्वक ये पूरा निपट जाए। सर और जानकारी और चीज सर कि यहाँ जो है इतनी भीड़ है और भीड़ में जो है भगदड़ की आशंका रहती है, तो भगदड़ को कैसे कंट्रोल करो? भगदड़ के लिए हम लोग लाइन वाइज हम लोग यहाँ से देखे रस्सा पार्टी हमारा लगा हुआ है, और पेट्रोलिंग टीम्स भी लगी हुई हैं, और बाहर से ही हम लोग स्क्रीनिंग करके भेज रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा भगदड़ की कोई आशंका है, इसके लिए आप सुनिश्चित रहें। और जहां तक के यदि भीड़ बढ़ जाती है तो हम टीम को और ज्यादा एनफोर्स कर देंगे, और प्रॉपर लाइनिंग से हम लोग आगे भेज देंगे। चोरी की घटना होती है सर, इसमें हमारे अधिक जो है श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी गलती रहती है, उनको बार बार दिशा निर्देश भी मिलता रहता है कि आप जो है जो प्रमुख सामान है उनको ना पहन कर आए, कहीं ना कहीं उसमें जो है आप लोग सूचना देते रहते हैं, फिर भी वो बार बार गलती वही करते हैं। ये वही बात है कि सबसे आप यहाँ पे जो लोग भी हैं स्वयं अपने आप में एक पुलिस अधिकारी हैं, हम वर्दी में हैं, वो वर्दी में नहीं है, आप भी एक तरीके से उसी का कार्य कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से फिर मैं एक बार यही कहना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि स्वयं के सामान की सुरक्षा तो सबसे पहले आप ही की है, और किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है उसके लिए पुलिस यहाँ पे है, और उसको रोकने के लिए मुख्यतः है हम। देख सकते हैं पूरे हर एक कोने पर आपको जो है एक वर्दीधारी हमारे साहब लोग मिलेंगे जो पूरे इस चौक चौबंद को पूरे करने में लगे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से असुविधा ना करना पड़े। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, केवल वर्दीधारी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सिविल में भी हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, और हमको हर चीज का इस बारे में हमारे मुस्तैद हैं यहाँ पे। कुछ ना छुटपुट घटना तो हर जगह हो जाती है, मगर मुख्य जो बड़े बड़े घटनाएं हैं उनको हमको रोकने के लिए हमारा पूर्णतः प्रयास रहेगा। सर आप, हम ये जानना चाहूँ कि आप व्यवस्था में लगे हैं तो आप मतलब किसी प्रकार से कोई कठिनाई तो समस्या का सामना करना का पड़ा थे का? कठिनाई और समस्या वर्दी के साथ खत्म हो जाती है, हम लोग वर्दी यहाँ पे आपकी समस्या के लिए हैं, और अपनी समस्या को भूल के आपके यहाँ पे हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं, और बाकी तो छोटा मोटा समस्या है उसको तो हमको मन से हटाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एक आध घटना, आप जो जगदलपुर से चल के आए, वहाँ की वातावरण और इस सामान्य क्षेत्र की वातावरण में क्या अंतर देखते हैं? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आप क्योंकि जगदलपुर में नहीं गए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, सेम है। छत्तीसगढ़ में कोई दो चीज नहीं है, छत्तीसगढ़ एक है, और यहाँ पर हर जगह हर परिस्थिति एक है, थोड़ा बहुत अंदर में हर जगह अंतर पड़ता है। बाकी हमारे साथ है हमारे सीनियर TI साहब है, उनका भी आप कुछ पूछे। जी सर जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, कैसा लग रहा है श्री महापुराण के जो आप जो भीड़ देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप स्वागत के उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। बाकी मैंने तो ये जो महाराज जी की ड्यूटी में प्रथम बार आया हूँ, मैं कभी इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ होती है, लेकिन आज देख के मैं इस भीड़ को देख के मैं खुद अचंभित हूँ, और बाकी यही अच्छा वो है। यहाँ थे बहुत ही जो चुस्त दुरुस्त यहाँ की व्यवस्था में लगे DSP साहब, TI साहब, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप सबको जो है अवगत करा रहे थे। आगे भी आप ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और विभिन्न जानकारी हमसे लेते रहे, दिशा निर्देश लेते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।